वेलकम टू सोनालीज़ किचन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चिकन लबाबदार की रेसिपी। चिकन लबाबदार बनाने के लिए हम लेंगे लगभग आधा किलो चिकन, 5 से 6 मीडियम साइज टमाटर और कुछ खड़े मसाले। साथ ही में हमें चाहिए 2 से 3 प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और नींबू। सबसे पहले हम मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने आधा किलो चिकन में कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, अभी नमक, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नॉर्मल वाली लाल मिर्च जो आमतौर पे घरों में यूज़ की जाती है, और 1 बड़ा चम्मच चिकन मसाला। इसके बाद 2 से 3 चम्मच नींबू का रस इसमें हम ऐड करेंगे। साथ ही में मैरिनेशन को कुछ बेस चाहिए होगा, तो इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है सरसों का तेल। 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल इसमें हम डाल देंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के लिए इसको हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। इसके बाद साथ ही में हम एक कढ़ाई में 3 से 4 छोटे चम्मच देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने डाला है शाही जीरा। शाही जीरा बिल्कुल छोटा छोटा होता है। 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, मेज, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। अब 10 से 20 सेकंड के लिए हमें इसमें अभी इसको पकाना होगा। स्टार्टिंग में ही ये मसाले ऐड कर देंगे, ताकि इनका फ्लेवर जो होगा वो पूरे ही सब्जी में बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। इसके साथ ही इसमें अब हम प्याज डाल देंगे। आप देख सकते हैं प्याज को हमने बिल्कुल ही रफली चॉप किया है, तो इसी तरीके से प्याज को काटना है। अब इसी में ही हमें मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए प्याज को पकाना है। प्याज को पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मीडियम फ्लेम पर प्याज को स्टार्टिंग से ही हम पकाते जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और 3 हरी मिर्ची हमने इस्तेमाल की हैं इसमें। सब मसाले अभी हम ऐसे ही रफली चॉप करके डालने वाले हैं। अब हमारा प्याज जो है वो पकना स्टार्ट हो चुका है। 1 से 2 मिनट के लिए और अभी हम प्याज को इसमें ऐसे ही पकाएंगे। इसके बाद इसमें हम टमाटर डाल देंगे। 5 से 6 छोटे साइज के हमने टमाटर इसमें यूज़ किए हैं। अब इसमें हमें टमाटर को भी ऐसे अच्छे से पकाना है। अब डालेंगे नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा, गरम मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा चिकन पाउडर। ध्यान देंगे यही सारे मसाले हमने मैरिनेशन के टाइम पे भी डाले थे, तो ग्रेवी में हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही इन मसालों को डालना है। सभी मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट तक इसको पकने देंगे। बीच बीच में चेक करते रहें। अब हमारा टमाटर प्याज जो है काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इसी में ही हम मैरिनेट किए हुए चिकन पीसेस को ऐड कर देंगे। अब इसी में ही हमें अभी चिकन को अच्छे से पकाना होगा ग्रेवी के साथ ही।
आधा गिलास जितना इसमें हम पानी डालेंगे। ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए अभी से हम ऐसे ही पकने के लिए रख देंगे। दस से 15 मिनट बाद चेक करेंगे तो चिकन जो है वो अब हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इन चिकन पीसेस को एक अलग से बर्तन में निकाल के साइड में रख देंगे। अब आप देख सकते हैं सारे चिकन पीसेस जो है वो हमने साइड से अलग करके रख दिए हैं। अब इस ग्रेवी को हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट तक इसको ठंडा करेंगे और इसके बाद इसे हम मिक्सी में अच्छे से इसकी प्यूरी बना लेंगे। ध्यान देंगे बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही इसकी हमें प्यूरी बनानी है, गरम गरम इसको मिक्सी में नहीं चलाना है। तो इस तरीके से सारे चिकन पीसेस जो हैं वो हमने अलग करके रख लिए हैं और इस ग्रेवी की प्यूरी भी अब हमने बना ली है। उसी बर्तन में अब हम इस प्यूरी को पकाएंगे। इसी में ही आधा गिलास जितना पानी भी डालेंगे अभी हम, और अब इसमें एक एक करके सारे चिकन पीसेस हम ऐड कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो कितना ही अच्छा हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी इससे हमारी बनेगी। और चिकन भी हमारा ऑलरेडी आधा तो पक ही चुका है, तो अब इसमें हमें 10 से 15 मिनट अभी और लगेंगे चिकन को पकाने के लिए। ढक्कन लगाकर इसे अभी हम ऐसे ही पकाएंगे। दस से 15 मिनट बाद आप चेक करेंगे तो आपका चिकन जो है वो बिल्कुल ही अच्छे से बन के तैयार हो चुका होगा। तो इसी तरीके से आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करके देखें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चिकन से रिलेटेड और भी हमारे चैनल पे रेसिपीज़ हैं, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा चिकन लबाबदार जो है वो पककर तैयार हो चुका है। सारी ग्रेवी जो है वो अच्छे से पक चुकी है, अब इसकी हम फाइनल प्लेटिंग कर लेंगे। ऊपर से आप चाहें तो इसमें लच्छेदार अदरक भी डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।